बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी? नहीं सुनाई दे रही थी ना, लेकिन क्या आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा था आपको? बिल्कुल समझ गए होंगे, या समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा था। चलिए, इस लैंग्वेज को बच्चों कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि बोल नहीं सकते या फिर जिनको सुनाई नहीं देता, तो वो इसका प्रयोग करते हैं कभी कभी। इसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन ये जिसको पता है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, वरना फिर हम कहना कुछ और चाहेंगे और आप समझ कुछ और जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो चलिए, मैं प्रेम शंकर, CRCC परमालपुर, आज अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज 8वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में 5वां लेसन, एक लेसन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और इसमें यही बताया गया है कि कभी भी इशारे से हम अगर बात कर रहे हैं तो बड़ा सावधानी रखें उसमें, कभी कभी हम धोखा भी खा जाते हैं। तो इस कहानी का नाम है 1 2 3। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं इस कहानी में क्या है। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग, एक बार एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। वो सोचता था कि मेरे जैसा शक्तिशाली और इस दुनिया में कोई नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को बताया नहीं था। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस वॉट ही वॉज थिंकिंग। एक दिन उसके मन में आया कि क्या जो वह सोच रहा है, क्या दूसरे लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं, बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्या? सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। इसलिए उसने अपने सारे अधिकारियों और नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि उसके हृदय में क्या है, कौन से विचार है उसके हृदय में। तो ये बच्चों, ये हार्ट शब्द है, HEART, हार्ट। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि वे इसको हर्ट पढ़ते हैं, डेट इज नॉट हर्ट। हर्ट की स्पेलिंग होती है HURT, जिसका मतलब होता है आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना किसी को। ये है HEART, हार्ट। इसको हार्ट पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, इसका मतलब होता है हृदय। तो उसने अपने सारे अधिकारियों और नौकरों को बुलाया और उसने यह जानने की कोशिश की कि क्या जो वह उसके हृदय में है जो थिंकिंग, वह क्या दूसरे लोग अनुमान लगा पाते हैं। देन द किंग, मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन अपने उत्तरों से राजा को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि कोई नहीं बता सका कि राजा क्या सोच रहे थे। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड सम वन हु कुड गेस हिज थॉट। तब राजा ने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि ऐसे व्यक्ति को खोजो जो अनुमान लगा सके कि वह क्या सोच रहा है। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। उसने एकदम एक महीना दिया उस मंत्री को ऐसे आदमी को खोजने के लिए। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट्स इन द किंग्स माइंड। लेकिन चारों तरफ खोजा मंत्री ने, लेकिन कहीं भी उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है उसको अनुमान लगा सके। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे ही महीना नजदीक आ रहा था, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट। मिनिस्टर बहुत ही उदास हो रहा था। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन उसकी एक बेटी थी, उसकी बेटी ने यह कहकर उसको खुश कर दिया कि उसको इस काम के लिए सही व्यक्ति मिल गया है। मतलब उसने ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लिया है जो कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है उसका अनुमान लगा सके। ऑल राइट, लेट्स सी वॉट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। When the appointed day arrived,
जब अपॉइंटेड डे, मैंने अपॉइंटेड डे का मतलब जो समय दिया था राजा ने एक महीने का, तो वो जब आ गया, अराइव्ड, अपॉइंटेड डे अराइव्ड, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल, मिनिस्टर की बेटी ने क्या किया, अपने घर एक फूल को ले आई, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति को. द मैन वॉज शेफर्ड इन देयर फार्म, कौन था वो व्यक्ति, वह व्यक्ति उनके खेतों में काम करने वाला एक चरवाहा था. द यंग मैन आस्क्ड द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, उस यंग वुमन ने, जो उसकी बेटी थी, उसने शेफर्ड को राजा के पास ले जाने के लिए कहा. द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, मिनिस्टर अपने बेटी के चुनाव पर बहुत ही शॉक्ड हो गया, स्तब्ध रह गया. बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी पे भरोसा किया. ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, वह चरवाहे को राजा के दरबार में ले गया. द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल्ड यानी वहाँ एकत्रित होना, तो आयोजित होना कह लें, तो वहाँ कोर्ट पहले से आयोजित हुआ था, सभी लोग एकत्रित थे वहाँ पर, असेंबल्ड. द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, मिनिस्टर ने शेफर्ड को राजा के सामने पेश किया. When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जब शेफर्ड ने, उस चरवाहे ने अपनी आंखें उठाकर राजा की तरफ देखा, the king held up one finger, राजा ने क्या किया, अपनी एक उंगली उठाई, इशारा है बेटा, कहीं उसने बोला नहीं, केवल उसने इशारे से एक उंगली उठाई. At this the shepherd held two fingers, अब तो शेफर्ड तो मूर्ख था, उसको क्या पता कि राजा एक उंगली दिखा के क्या कह रहा है, तो उसने यह सोचा होगा कि राजा एक उंगली दिखा रहा है, दो उंगली दिखाऊं, तो उसने दो उंगली दिखा दिया. देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, अब राजा ने तीन उंगलियां दिखा दी. बट एट दिस द फूल शुक हिज हेड वायलेंटली, लेकिन इस पर उस मूर्ख व्यक्ति ने, शेफर्ड ने, अपनी गर्दन को ना के साइन में तेजी से हिलाया. And tried to run away, और वहां से भागने की कोशिश की. The minister could not understand what happened. Minister समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है. He begged the king to explain things to him. Beg यानी निवेदन करना, beg का मतलब बच्चों भीख मांगना भी होता है, मैंने बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करने को भी हम beg कहते हैं, घुटनों के बल जैसे बैठ कर और एक निवेदन करना कि मुझे बताइए, तो वैसे ही मिनिस्टर ने भी राजा से निवेदन किया कि क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन करें. When I held up one finger, said the king, राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king, मैंने उससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा था कि क्या अकेले मैं ही एक राजा हूं. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. यहाँ देखिए बच्चों, फिर से सिमिली का प्रयोग किया गया है, सिमिली के बारे में मैं एक क्लास ले चुका हूँ आपका, as powerful as I am. तो उसने कहा कि जब मैंने दो फिंगर उठाया तो उस व्यक्ति ने मुझे रिमाइंड किया, यानी फिर से मुझे याद दिलाया कि नहीं, मैं अकेला, आप अकेले को किंग नहीं है, that there is also God, आपके अलावा God भी है, ईश्वर भी है, who is at least as powerful as I am, जो कि आप ही की तरह, यानी उसने कहा कि, उसने बताया कि मेरी ही तरह God भी एक ऐसा है जो कि मेरी ही तरह powerful है. Then I asked him whether there was a third, फिर मैंने उससे पूछा, जब उसने तीन उंगली दिखाया था राजा ने, तो तीन उंगली दिखा के पूछा राजा ने कि क्या कोई तीसरा भी है, यानी तीसरा भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पावरफुल है हमारी तरह. एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड, तब शेफर्ड ने क्या किया था, तेजी से ना के रूप में सिर हिलाया था, तो राजा ने एक्सप्लेन किया कि उसने सिर क्यों हिलाया था, कि उसने डिनाई किया, मना किया कि नहीं, और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब एक राजा है और एक दूसरा ईश्वर. दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स, तो राजा ने कहा कि ये व्यक्ति वाकई में मेरे थॉट्स को पढ़ सकता है, मेरे विचारों को पढ़ सकता है. अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या वाकई में हम अगर बात करें तो क्या शेफर्ड इतना चलाक था कि उसने राजा के
विचारों को पढ़ लिया था? मुझे नहीं लगता कि पढ़ा होगा, वो एक मूर्ख व्यक्ति था। और राजा ने, क्योंकि साइन लैंग्वेज से ही सब कुछ समझाना था, राजा ने एक उंगली दिखाई, उसने दो उंगलियां दिखा दी, राजा ने तीन उंगली दिखाई, तो उसने सोचा कि नहीं अब हम दिखाएंगे। राजा था भाई, अब उस जमाने में अगर थोड़ी भी गलती करो तो राजा सीधे मुंडी उतार देता था। तो उसने सोचा कि जब राजा अब तीन उंगली दिखा रहे हैं तो अब मैं दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने नाम ऐसे हिलाया और भागने की कोशिश की वहां पर। तो बात यही रही होगी, लेकिन राजा ने उसको समझा कि नहीं, एक उंगली दिखाया तो वो पूछ रहा था उस व्यक्ति से कि क्या एक मैं ही राजा हूँ कि और भी कोई दूसरा है। तो उसने दो उंगली दिखाई उस व्यक्ति ने, तो उसका अर्थ राजा ने यह समझा कि नहीं, ये कह रहा है कि एक ईश्वर भी है आपके अलावा जो आप ही की तरह पावरफुल है। फिर राजा ने तीन उंगली दिखाई तो उसने यह पूछा उस व्यक्ति से कि क्या तीसरा भी कोई है इसके अलावा, दो के अलावा। तो उसने सिर हिला दिया था, तो राजा ने समझा कि नहीं, वो कह रहा है कि नहीं तीसरा कोई नहीं है आपके और ईश्वर के अलावा। ठीक है, तो आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल, बट ही वॉज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। उसने कहा कि मैं समझता था कि मैं ही एक पावरफुल व्यक्ति हूँ अकेला, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया कि नहीं, गॉड भी है आपके अलावा जो कि आप ही की तरह शक्तिशाली है, लेकिन तीसरा कोई नहीं है। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और आप अब ये डिसाइड करिए कि मूर्ख कौन था, राजा या फिर शेफर्ड। इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा व्हाट्सएप करके कि कौन ज़्यादा मूर्ख था, तब मैं उसका आंसर दूंगा। मुझे कौन सा लगा मैं वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपना उत्तर मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।